नमस्कार। क्या चीनी सामान के बिना हमारा गुजारा नहीं? बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स या बॉयकॉट मेड इन चाइना कैंपेन में कितना दम है? अगर 10,000 इंपोर्टर्स चीन से सामान मंगाना बंद कर दें तो एक साल में चीन को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है? क्या अब यह तय करने का वक्त आ गया है कि चीनी सामान की बत्ती लगा दी जाए? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई चीन की बत्ती लगनी शुरू हो गई है? अगर आप जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, क्योंकि यहां लगातार चीनी और पाकिस्तानी करतूतों की बत्ती बना भी दी जाती है और लगा भी दी जाती है। चीनी सामान के बॉयकॉट की मांग हिंदुस्तान में कई बार उठी है। जब भी चीन सीमा पर कोई गुस्ताखी करता है या पाकिस्तान की ढाल बनने की कोशिश करता है तो ऐसी आवाजें उठती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कैंपेन सफल तो क्या ढंग से शुरू भी नहीं हो पाया था। यह कड़वी सच्चाई है कि चीनी सामान को हम अपनी जिंदगी से तुरंत तो बाहर नहीं निकाल सकते। चीनी सामान भारतीयों की जिंदगी में इतना गहरा समा चुका है, इतना गहरा घुस चुका है कि उसे निकालना अपने आप में एक युद्ध है। अपनी लाइफ में चीनी सामान कम करना ऐसा ही है जैसे मीठे के शौकीन के लिए अपनी चाय में चीनी कम करना। बॉयकॉट मेड इन चाइना के लिए हम अपनी आदतें, अपनी पसंद, अपनी लालच और अपनी एक तरह से लाइफस्टाइल को ही बदलना पड़ेगा। भारतीय बाजार में चीनी सामान की पैठ इतनी ज्यादा है कि अब तक कोई बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट कैंपेन सफल नहीं हो पाया। सवाल है कि ऐसा हो क्यों नहीं पाया? अगर हाल के कुछ मामलों का जिक्र करें तो साफ हो जाता है कि चीन का असर सिर्फ भारत के घर घर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की संस्थाओं, मीडिया और संगठनों में भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर सीधे सीधे चीन की कठपुतली बनने के आरोप लगे। आरोप लगे कि चीन की शह पर WHO की जानबूझकर की गई लापरवाही और संदिग्ध हरकतों की वजह से ही दुनिया में कोरोना इतना ज्यादा फैला। आरोप इतने गंभीर थे कि अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली फंडिंग को रोकने का ही फैसला कर लिया। दुनिया भर के मीडिया में चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा और उसके विरोध का गला घोंटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चाहे ट्विटर पर अमूल का राष्ट्रवादी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हो, यूट्यूब पर कैरी मिनाटी का रोस्ट टिकटॉक वीडियो हो, सोनम वांगचुक का बॉयकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स कैंपेन हो, हर जगह चीन की पैठ का असर देखने को मिलता है। ट्विटर पर अकाउंट हटवाकर, यूट्यूब पर वीडियो डिलीट करवाकर और सोनम वांगचुक पर सीधे चीन के सरकारी मीडिया से हमला करवाकर भेदभाव को साबित किया गया है, चीन के असर को साबित किया गया है। लेकिन यहीं पर एक उम्मीद भी है। इस बार मामला सीरियस दिखाई दे रहा है। शायद चीन की ओर से ऐसा आक्रामक प्रोपेगेंडा इसीलिए हो रहा है क्योंकि शायद पहली बार सीरियसली माहौल चीन के खिलाफ भारत में बन रहा है। हाल ही में एक सर्वे आया जिसका नाम था चीन पर क्या सोचता है देश। इसमें पता चला कि 84% लोग चीन को एक खराब देश मानते हैं। 31,000 लोगों पर सर्वे था। इसमें 91% लोगों ने कहा कि चीनी सामान का बॉयकॉट होना चाहिए। बॉयकॉट करने की राय देने वाले जो लोग थे उनमें से 97% महाराष्ट्र से हैं। सर्वे में एक और चीज निकल कर आई, इसमें बहिष्कार करने वालों की जो तादाद थी उनमें से 72% लोगों ने कहा कि वो तैयार हैं कि वो कोई भी चीनी सामान नहीं खरीदेंगे। बहिष्कार की राय रखने वालों में से 23% लोगों ने कहा कि वो चीनी सामान के इस्तेमाल में कटौती करने को तैयार हैं। इन सभी तथ्यों से भारत के मूड का पता चलता है। लगता है कि इस बार सस्ते के लालच में चीनी सामान खरीदने वाले कुछ कर गुजरने के मूड में हैं। इसी माहौल में चीन के खिलाफ एक और आवाज बुलंद हुई है। यह आवाज है भारत में छोटे कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT की। CAIT 10 जून से एक अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान का नाम है भारतीय सामान हमारा अभियान। कैट का कहना है कि यह अभियान चीनी उत्पादों के बहिष्कार का राष्ट्रीय अभियान है। कैट का कहना है कि अगले 1.5 साल में छोटे भारतीय कारोबारी चीन से 1,00,000 करोड़ रुपए का आयात कम करेंगे। कैट का कहना है कि इस अभियान में किसानों, ट्रांसपोर्टर्स, लघु उद्योगों, हॉकर्स और उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा। यह अभियान 3,000 कैटेगरी के चीन में बने सामान के खिलाफ है और कैट के साथ 40,000 ट्रेड एसोसिएशन के होने का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 10,000 इंपोर्टर्स इस अभियान से जुड़ने जा रहे हैं। चीनी सामान के खिलाफ यह सारी मुहिम इसलिए खड़ी हुई क्योंकि हाल ही में चीन के सरकारी अखबार ने दावा किया था कि चीन का सामान भारतीयों की लाइफ में इतना घुस चुका है कि उसे बाहर निकालने की हर कोशिश फेल होगी। एक तरह से चीन की ओर से हर राष्ट्रवादी भारतीय आवाज का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई।
लेकिन अब लगता है कि यह प्रोपेगेंडा चीन पर भारी पड़ने जा रहा है और हर भारतीय इसे एक चुनौती की तरह ले रहा है। नमस्कार।